नया साल कुछ ही दिन बाद आने वाला है। नया साल में हर किसी का सपना होता है कि कुछ ऐसा किया जाए जो उनके जीवन को और अधिक अच्छा कर दे। कुछ लोगों के लिए नया साल बेहद अच्छा रहता है, वहीं कुछ लोगों का लगता है कि नया साल में कुछ और बेहतर। सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेष राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए थोड़ा सा बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इनको कोर्ट कचहरी से बचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अचानक से जो निर्णय लिए उसमें फंसने की संभावना बनेगी। तो उनको ध्यान रखना है कि जो भी काम करें सोच समझ के करें। वृषभ राशि वालों के लिए जो है अपने कर्म क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किसी के साथ किसी प्रकार की कोई साझेदारी ना करें, मतलब पार्टनरशिप ना करें, उससे बचना है। मिथुन राशि वाले जातक बहुत इमोशनल होते हैं, जल्दीबाजी में अपना काम करते हैं, ऐसे में उनका काम खराब हो जाता है। तो 2024 की जो गणना है मिथुन राशि वालों के लिए, अपने दिमाग के साथ चलना है, सबकी सुनना है, करना अपने मन की, नहीं तो फंस जाएंगे नुकसान में, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ सकती है। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं और अपने कार्य को बहुत विस्तार से करते हैं। राजनीति में और कहीं ना कहीं अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छी तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए किसी न किसी स्त्री के सपोर्ट से इनका भाग्योदय होता है। तो किसी भी स्त्री का इनको अपमान नहीं करना है, सभी का सम्मान करना है कर्क राशि वालों के लिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, तो 2024 में सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं पिता से सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट से जो कोर्ट में कोई केस चल रहा था उसमें जीत की संभावना बनेगी, और लास्ट में कहीं ना कहीं किसी विश्वास नहीं करना है आपको, अपने काम को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। कन्या राशि की बात करते हैं, तो कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो 2024 में कन्या राशि वालों के लिए कोई नई सौगात मिलेगी, लेकिन पीछे आप परेशान हैं तो फंसने की संभावना बनेगी। तो किसी को आप कर्जा ना दें, किसी की आप गारंटी न लें, इससे आपको बचना पड़ेगा कन्या राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जातक जो हैं इनके लिए कहीं ना कहीं स्त्री से एक घात मिलने की संभावना बनेगी, या कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचेंगे। तो आपको जो भी कार्य करना है बड़ा सोच समझ के करना है। ऐसे जातक जो है ज्यादातर जो है देवी की आराधना करें, इनके लिए 2024 बहुत अच्छा रहेगा। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। कोई आप नवीन काम करना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, भूमि प्रॉपर्टी का आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप किसी के साथ यदि मतलब पार्टनर करते हैं, पार्टनरी करते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं, तो आप फंस जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि 2024 का। धनु राशि वाले जातक जो है ना बहुत सामाजिक होते हैं और सबके साथ चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए क्या करना है कि अपने कर्मनिष्ठ, अपने ईमानदारी के साथ काम करने हैं, उनको सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अच्छा करने के बाद भी आप फंस जाते हैं, आपको जो है ना नुकसान होने की संभावना बनेगी। तो आपको अपने आप पे ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत दूसरों के लिए जीने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं, सबको लेकर चलने वाले होते हैं। इनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार नहीं मानते हैं। लेकिन मकर राशि वालों के लिए कभी भी जो धोखा होता है वो अपनों से होता है, तो सतर्क रहें, ध्यान रखें। कोई ना कोई शनि के जरिए आपकी साढ़े साथी, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की संभावना बनेगी, आपको सचेत रहना है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, उनकी भी शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो ऐसे में आपके सारे काम रुके हुए हैं। आप जल्दीबाजी से काम करना चाहते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, तो 2024 में आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। आपकी दुर्घटना चोट लगने की संभावना बनेगी, उसमें आपको ध्यान रखना है। कोई ना कोई एक्सीडेंट आपका ऐसा हो जिसमें आपका हड्डी टूटने की संभावना बनेगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले के स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है ना मीन राशि बारहवीं राशि होती है, ऐसे जातक जो है वो अपने गुप्त योजना बनाते हैं, किसी को बताते नहीं है, लेकिन बाद में फंस जाते हैं। तो ज्यादा आपको मतलब अपनी चतुराई नहीं दिखानी है, अपने आप को प्यार से सारा काम करना है, विश्वास के साथ करना है, सबको लेके चलना है, आपको 2024 में सफलता मिलेगी, कहने की बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मीन राशि वालों के लिए थोड़ा अपना ध्यान रखना है, अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो कोई भी आप नया काम ना करें, कोई भी इन्वेस्ट ना करें, करने से पहले अपने कुंडली को विवेचन कराएं, देखें उससे आप आगे बढ़ें। देखिए पहले दिन स्टार्टिंग श्री गणेश होता है, तो उसमें अंत भला सब भला, वैसे लास्ट की चीजें भी लोग देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है बहुत अच्छा होता होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। तो पहला दिन जो है ना सोमवार पड़ रहा, मंडे पड़ रहा 1 तारीख को, तो सोमवार से क्या होता है कि चंद्रमा का दिन होता है सोमवार, चंद्रमा एक मन माता है,
तो ऐसे में क्या है कि अपने माता जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, तो उन सब राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप सुबह उठकर सोमवार के दिन, 1 जनवरी के दिन, तो ऐसे में अपने माँ का आप चरण स्पर्श करें, माँ का आप जो है क्या कहते हैं मतलब पैर छिए, उनसे आशीर्वाद लें, और हो सके तो उस दिन चावल की खीर बनाकर अपनी माता जी को आप मीठा खिलाएं और परिवार में सब लोग मिलकर खाएं, तो अवश्य में बहुत बड़ी खुशियां आएंगी आपके स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, शांति के लिए या नौकरी के लिए, परिवार में एक बहुत प्रेम की स्थापना बनेगी।